नमस्ते दोस्तों। जी हाँ, मैं हूँ आशीष चौधरी, जनता का दोस्त और आपका होस्ट। और मैं आपको बता दूं कि नवी मुंबई उलवे में, जी हाँ, जो भी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मैसेज, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में जो मैसेजेस जा रहे हैं, वो दंगा भड़काने वाले हैं CAA और NRC के ऊपर। जी हाँ, कई राजनीतिक पार्टियां या कई सामाजिक कार्यकर्ता, कई गूंस, जी हाँ, जिनको कह सकते हैं आप गुंडे, गुंडागर्दी करने वाले लोग इस तरह के मैसेज फैला रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि आप अबेडमेंट सेक्शन, IPC सेक्शन 289 के तहत आप बुक किए जा सकते हैं साइबर क्राइम के तहत। जी हाँ, और मैं आपको ये भी बता दूं कि नवी मुंबई पुलिस इस बारे में कभी भी किसी वक्त भी एक्शन ले सकती है। आप लोगों को दंगा भड़काने वाले भड़काऊ जो वीडियोस हैं उनको पोस्ट करने का या फॉरवर्ड करने का कोई अधिकार भी नहीं है, और आप इस तरह का काम ना करें तो ही अच्छा है। दूसरा, मैं कहना चाहता हूं कि जो जो खास करके वो राजनीतिक दल जो इन सब चीजों को फैलाना चाह रहे हैं, मैं उनसे भी कहूंगा कि जब तक पत्रकार चुप हैं तब तक चुप हैं। जिस वक्त पत्रकार मुंह खोलने लगते हैं तो फिर पत्रकारों को भी तालियां और गालियां मिलने में कुछ देरी नहीं लगती है, ये सब हम देख चुके हैं। तो मेरा काम था सूचना देना। जी हाँ, पत्रकारिता का काम हमेशा एक ही होता है, जो है वो है सूचना देना, और सूचना देने का काम मैं हमेशा से करते आया हूं ताकि आप लोग किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। जी हाँ, बेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप गुनाहों से बरी हो गए। जी हाँ, जब आपकी जमानत होके आप बाहर आते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो ज्वेलर हो, चाहे फिर वो कोई कार्यकर्ता हो, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी का दल का मेंबर हो। यदि आप बेल पे छूटे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूर्ण रूप से आजादी मिल चुकी है। आप इस वक्त भी ट्रायल के अंडर हैं और आपको इस चीज का ध्यान रखना है। जी हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, पत्रकार जब तक चुप होता है चुप होता है। दूसरा बात मैं आपको बता दूं कि उलवे में, खास करके नवी मुंबई उलवे में, खास करके हैकर्स की एक टीम बनी हुई है। जी हाँ, जो कि आपकी ईमेल आईडी, आपके पासवर्ड, आपकी वेबसाइट, इन सबको हैक करने की कभी भी किसी वक्त भी कोशिश कर सकते हैं। खास करके मैं उन नामचीन लोगों के लिए कहना चाहूंगा जो उलवे और नवी मुंबई के नाम वाले लोग हैं। जी हाँ, उनके और पत्रकार, जी हाँ, उनके वेबसाइट और चैनल्स के ऊपर भी हमलावर जो है वो साइबर क्राइम के तहत क्राइम कर सकते हैं। तो ये सूचना थी, ये सूचना कुछ सूत्रों से मिली है, कुछ हम सूत्रों को नवी मुंबई उलवे न्यूज से अगवा करा रहे हैं, खास करके नवी मुंबई पुलिस को। जी हाँ, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। फिर से मेरी क्रिसमस। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring wherever you are. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.